हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। उसमें हमने कूलाम के नियम तक पढ़ लिया था। आज हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं? किसी विद्युत आवेश यानी क्यू, या फिर आवेशों का समुदाय यानी बहुत से आवेश हैं के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मान लीजिए ये प्लस आवेश है, इसके अलावा एक अन्य आवेश है वो भी प्लस का ही है, तो ये दोनों में कैसा बल अनुभव करेंगे? प्रतिकर्षण का, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इस तरीके से अगर आप दूसरा देखें कि अगर आप ये प्लस है और इसमें एक माइनस का आवेश आ जाए, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है कि कोई अन्य आवेश अगर आता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जिस क्षेत्र में उसका अनुभव करता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी विद्युत आवेश तथा समुदाय आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश या आवेश रखा हुआ है कोई क्यू, ये चलने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब अगर इस पर कोई भी फोर्स लगा रहा है माइनस की तरह से, तो ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह बल की दिशा में ही चलेगा। जैसे फोर्स लग रहा है इसमें अट्रैक्शन का, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पास ही आएंगे। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही हो तो आवेश के चलने की दिशा भी बदलती जाएगी। ठीक है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो आवेश भी इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया था प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को रिपील करते हैं। आवेश वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी सघन धनावेश के मार्ग को ही विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई स्वतंत्र धनावेश, इसकी जो भी रेखाएं बनेंगी, या तो ये पास जाता होगा किसी के या किसी से दूर, तो ये सब क्या होंगी? विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। अब इसकी डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक या फिर निष्कोण वक्र यानी स्मूथ कर्व है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथककृत एकांक धनावेश चलता है। जो धनावेश है, जिस धनावेश की जो गति की दिशा है, धनावेश जिस दिशा में चल रहा है वही क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये एक विद्युत बल रेखाओं का गुण भी समझ सकते हैं आप। किसी विद्युत बल रेखाओं को आप देखिए कैसे डिनोट करते हैं। जैसे ये प्लस चार्ज है, इस पहले वाले में देखिए ये प्लस वाली है, मतलब इस पर प्लस क्यू आवेश है। सेकेंड है, इसमें माइनस क्यू आवेश है। तो इस तरह से दर्शा दिया कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस से किधर जा रही हैं, प्लस से बाहर निकलती हैं और माइनस की ओर अंदर आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लस और माइनस दोनों को पास में रख दें तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, यानी ये इसकी तरफ खींचेगा, ये इसकी तरफ खींचेगा, तो इस तरीके से कुछ बल रेखाएँ बनेंगी। इन्हीं को क्या बोला जाता है? विद्युत बल रेखाएँ। अब जैसे अगर दोनों पॉजिटिव सिरे एक दूसरे के पास आ जाएँ तो वो एक दूसरे को दूर करेंगे, तो ये जो रेखाएं बनेंगी ये भी विद्युत बल रेखाएं ही कहलाएंगी। अब देखिए, इस तरीके से प्लस और प्लस हैं, एक दूसरे को ये भी रिपील कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, इनके बीच के डिस्टेंस मान लिया है आर। तो जिन लोगों के बीच की जो रेखाएं हैं ये विद्युत बल रेखाएं हैं। किसके अंतर्गत? विद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने भी देखा, धनावेश से चली और ऋणावेश पर समाप्त हो गई, इसके आगे वो नहीं बढ़ती है, जैसे कि गोला नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे ख़त्म, पूरी समाप्त हो जाती है, यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होके माइनस पे एंड हो जाती है। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर भी था, इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है ये, कि जो बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वही बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए, अगर कोई भी दो बल रेखाएं हैं, जैसे ये है और ये है, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं। आप इतने देख लीजिए, इतने करें, इन्होंने
कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कट नहीं करेगी। क्यों नहीं करती है? देखिए, कोई भी बल रेखा अगर एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके जो काटन बिंदु है उस पर स्पर्श रेखा दो खींची जा सकती हैं, एक तो इस वाली रेखा के लिए और एक इस वाली रेखा के लिए। जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि फिर ये दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि बल की दिशा जो है वो एक ही दिशा प्रदर्शित करेगी, क्योंकि दो दिशाएं संभव नहीं हैं। ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिस तरह से विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। देखिए, विपरीत आवेश यानी प्लस और माइनस हैं, इनमें आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि ये खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं, और अगर प्लस प्लस दोनों एक ही से चार्ज हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, लंबाई की दिशा में ही दूर हटने का प्रयत्न करते हैं, जिस कारण क्या होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसे, देखिए विद्युत क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया कि किसी विद्युत आवेश या आवेशों का जो समुदाय है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा आवेश अगर आता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी क्या होती है वो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। क्यू नॉट दिया है, क्यू नॉट कोई स्पेशल आवेश नहीं है, इसे परीक्षण आवेश बोला जाता है। ये अत्यंत अल्प धन आवेश ही होता है, ये भी पर इसे बिंदु आवेश कहा जाता है, बिंदु धन आवेश। इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बस ये विद्युत क्षेत्र में इसे रखेंगे तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, इसे ये सिर्फ कल्पना किया गया आवेश है, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश यानी क्यू नॉट पर लगने वाले बल से नापते हैं। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। अब देखिए, जब बल एक सदिश राशि है तो ई भी जो है वो सदिश राशि होगा, बल यानी फोर्स। ई क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्यू हमारी अदिश राशि है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी राशियाँ सदिश होती हैं और कौन सी अदिश। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया बल एक सदिश राशि है, क्यू एक अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वह क्या होती है, जिस दिशा में बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ऐसा कब होता है, जब धनावेश हो। ठीक है, अगर परीक्षण आवेश जो है धनावेश ना होकर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब जैसे बल की दिशा ये है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी। प्लस में दोनों सेम दिशाओं में रहते हैं, माइनस में दोनों विपरीत दिशाओं में आ जाते हैं। अब देखिए बल का अब आप इससे ई बराबर एफ अपॉन क्यू अभी हमने पढ़ा, क्यू नॉट कह सकते हैं या क्यू, तो इसमें आप देखें तो बल की जो मात्रक है आपका बल का वो होता है न्यूटन, एंड क्यू यानी आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। जब यह आपने ई बराबर एफ अपॉन क्यू निकाला तो क्यू उधर चला जाएगा, तो एफ बराबर क्या आएगा, क्यू नॉट या फिर क्यू इंटू ई। ठीक है, इससे भी बल का एक दूसरा मात्रक निकल सकता है, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, वही बात आएगी, कूलाम से कूलाम कैंसिल, न्यूटन ही रहेगा। अब अगर आप विद्युत क्षेत्र की विमा इन डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एफ बराबर ई बराबर एफ अपॉन क्यू करेंगे। बल की क्या होती है, बल बराबर एफ बराबर होता है एम ए, क्यू बराबर आई टी। अब बल एम है, एम तो द्रव्यमान है, एम का एम रहता है, ए त्वरण है, त्वरण का एल टी, माइनस का टू होती है। ठीक है, बल की मैंने अभी आपको बताई एम ए था अपॉन आई टी, इस शॉर्ट में लिख दिया इसे एम
LT-2 अपॉन I का एम्पियर, टी का टी रहता टाइम। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो M एज इट इज़ आ जाएगा, L भी ऐसे आ जाएगा, ये T माइनस का है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 और A माइनस 1, तो ये इसकी फाइनली विमा आ जाएगी MLT-3A-1। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने निकाली है उस पर हम बल से रिलेटेड कुछ करेंगे। देखिए बल है F बराबर हमारा वैसे क्या होता है 1/4πε0 k Q1 Q2 r2। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम विद्युत क्षेत्र का भी एक और फॉर्मूला प्राप्त करेंगे जो कि क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए वीडियो को अब इतना ही चैन देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।